ज्यादा पित्र दोष हो, ज्यादा तकलीफ चल रही हो, बहुत ज्यादा कष्ट में हो, तो शिव मंदिर में बैठकर या घर के मटका परिंडा या पूजन वाली जगह पर बैठकर 12 श्लोक का सुधा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते। एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्त्रोत का पाठ जिसमें 12 श्लोक। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, 6 फरवरी को है षट्तिला एकादशी। कहते हैं कि हजारों वर्षों की तपस्याओं के बाद में जो फल प्राप्त होता है वही फल इस एक दिन के व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में तिल की बड़ी ही विशेष महिमा होती है और वैसे भी हमारे सत्य सनातन धर्म में तिल को मोक्ष सूचक कहा गया है। इस एकादशी में प्रातः स्नान से पूर्व से लेकर के सायकालीन भोजन तक इसमें तिल का समन्वय होता है। जैसे स्नान से पूर्व तिल का उपटन होता है, तत्पश्चात जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपके जो रोग हैं व्याधि हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसके पश्चात जब आप पूजन इत्यादि करें उस पूजन में जल में तिल डाल करके महादेव को अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन तिल का दान करना चाहिए। तिल के दान करने से आपके जीवन में जो दरिद्रता रहती है वो नष्ट हो जाती है। इस तरह के और भी उपायों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।